आगे को जाना है। देखिए अजमेर तो मैं पहले भी बहुत आया हूँ, यहाँ पोस्टेड भी रहा हूँ, पहली बार नहीं आ रहा। लेकिन आज क्योंकि मैं दौरे पर था और अजमेर रास्ते में था, तो एक रिव्यू यहाँ रखा है जिसमें अजमेर रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकगण को बुलाया है, आईजी साहब साथ होंगे, तो यहाँ की अपराध की समीक्षा करेंगे, आने वाली चुनौतियों की बात करेंगे और जो एक प्रयास हमारा है कि हम आम नागरिक से जुड़ें, उनका विश्वास और स्नेह अर्जित करें, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारे हार्डकोर अपराधी हैं उन पर किस प्रकार हम नियंत्रण कर सकते हैं वो भी बात आज करेंगे। और भी हमारी प्राथमिकता हैं जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स पे कैसे नियंत्रण पाया जाए, या वांछित अपराधियों को कैसे गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा हमारी एक प्राथमिकता समाज के कमज़ोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, इनके लिए भी है, तो इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। और फिर प्रशासनिक जो हमारी प्राथमिकता है उन पर चर्चा करेंगे और एक प्रयास करेंगे कि एक रणनीति बने और पूरी रेंज में अच्छा काम हो। बीट व्यवस्था आपने ही लागू की थी, आपका ही सोच थी है जी, तो इसको और अपडेट करने की जरूरत है क्या? बीट व्यवस्था को अपडेट करके अभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कुछ ही दिन पहले, और मैं समझता हूँ कि आपको फील्ड में उसका इम्पैक्ट है, जो उसका असर है वो थोड़े दिनों में दिखने लगेगा। क्योंकि आपका ही वो था सर, आपके समय में जब आप आई जी थे यहाँ जी, उसी समय आपने वास्तविकता ये है कि बीट जब से पुलिस है तब से बीट प्रणाली है, लेकिन ये हमारी सुषुप्त अवस्था में चली गई बीच में, तो उसी को हम चाह रहे हैं पुनर्जागृत करें और एक बार प्रभावी ढंग से लागू करें। सर, जबकि अपने अजमेर में एक प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि यहाँ भारी लोग ज़्यादा रहते हैं किराए से जी, तो एक आपने तस्दीक वाली जो उनका जो वेरिफिकेशन होता है ना जी, तो वो रेगुलर होता रहे, लेकिन आप इधर गैप आ गया काफ़ी, दो तीन साल से वो चीज़ थानावर हो नहीं पा रही। अभी जब जैसे ही ये बीट व्यवस्था लागू होगी तो बाहरी लोगों की भी तस्दीक शुरू हो जाएगी, जो यहाँ के निवासी नहीं है मूल रूप से, उनके स्थानीय जो थाने हैं वहाँ से तस्दीक शुरू हो जाएगी। अच्छा, प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल अजमेर में है जी, लेकिन उस जेल से कई बार गैंग्स सक्रिय रहती है, फोन अवेलेबल होते हैं अंदर, व्हाट्सएप भी चलता है सब कुछ, वो गैंग जो मतलब है तो अंदर लेकिन बाहर पूरी कार्रवाई अपने रखते हैं, इस पर कैसे लगाम लगा पाएंगे? देखिए, जेल का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो डीजी साहब जेल के पास होता है, डीजी पुलिस के पास नहीं होता, लेकिन आपराधिक गतिविधियां जो वहाँ से संचालित हो रही हैं वो हमारे जिम्मेदारी है कि या तो वो हम रोक पाएँ, और या फिर अगर होती हैं तो उनको हम तुरंत ही कार्रवाई करके और अन्वेषण पूर्ण करके उनके अन्वीक्षा के लिए कोर्ट में भेजें। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ये जानने के कि जेल से क्या चल रहा है, लेकिन अभी वो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगा कि वो, लेकिन लगातार कार्रवाई होती है, कई फिरौतियाँ भी मांगी जाती है अंदर से फ़ोन करके, सारी कार्रवाई आपके पास तो आती है? जी हाँ जी, अल्टीमेटली तो पुलिस में ही आएंगे और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और इनकी रोकथाम के भी प्रयास किए जाएंगे कि ये वरना कर पाए वहाँ से। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भी एक समस्या है जी,
कि जो जांच इनके विभागीय जांचें होती है तो 6 महीने पूरी हो जानी चाहिए ताकि उनका कोई निस्तारण हो सके, उसका काफी लंबे तक चलती है। तो ये लोग क्या बेनिफिट जो भी मिलने होते हैं उससे वंचित रहते हैं, दूसरा मानसिक प्रताड़ना में तो रहते ही डिप्रेशन में। नहीं, आपकी बात सही है, जो भी जांच है अगर कोई है तो उसको समय से निस्तारण किया जाना चाहिए। तो न निस्तारण होने के कई बार तो प्रशासनिक कारण हो जाते हैं, अधिकारी को समय नहीं मिला, व्यस्त रह गए, और कई बार जो औपचारी हमारे पुलिसकर्मी होते हैं वो भी देरी करना चाहते हैं। तो दोनों ही कारण हैं, लेकिन हम इस पर काफ़ी नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे कि देरी ना हो, और अगर देरी हो तो उसके कारणों का विश्लेशन हो कि वही जांच देरी से क्यों हो रही है। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर भी यहाँ चर्चा, बिल्कुल चर्चा की जाएगी। वो हमारी ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, तो वो शांति से हो, वो निष्पक्ष हो, और हर मतदाता अपने मत का उपयोग बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के कर सके, ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए पुलिस को क्या करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। आगामी दिनों में और भी नवाचार किए जा रहे हैं, नवाचार अभी धीरे धीरे आप देखिएगा आएंगे सामने, लेकिन वो पहले से बताना ठीक नहीं है। कोई एक आध जो हम अजमेर के लिए हो इसके लिए लोगों को तैयार करें ना मानसिक रूप से, कोई विशेष जैसे एक बार सर पुलिस ने क्या किया था कि जो छात्राओं की स्कूल कॉलेज से वहाँ शिकायत पेटिका लगवाई थी जी, लेकिन उसको फॉलोअप कर नहीं पाए अपन शायद, तो वो भी एक बढ़िया। ऐसी कोई भी आप नया नवाचार कर रहे हो इसमें जरूरी नहीं है वही और कोई हो जो हमारे लिए हो, मेरे से कोई खबर निकल जाए। नवाचार देखिए उसको समय से पहले बताना ठीक नहीं है, फिर वो नवाचार ही नहीं रहेगा तो, लेकिन हाँ नवाचार होंगे, बहुत सारे प्रयास होंगे जिससे हम लोगों को बेहतर सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था दे सकें। बहुत सारे प्रयास किए आने वाले दिनों में। उर्स मेला भी यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसको लेकर भी, उर्स मेला है सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, सुरक्षा भी है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। दूसरे हमारी व्यवस्था जो उसका मैनेजमेंट है, प्रबंधन की, लोग आएँ जाएँ सुरक्षित रहें, और उनका जो मूवमेंट है यहाँ पर वो भी एक नियोजित तरीके से हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई दुविधा या दुर्घटना की संभावना हो या व्यवधान की संभावना हो। तो अब हम काफ़ी समय से क्योंकि ये कर रहे हैं, काफ़ी तो हमारी ड्रिल इसकी अब मेरा ख्याल से तय हो चुकी है, पर हर बार ना कुछ नया सीखते हैं और उसे सुधार करने का प्रयास करते हैं, तो वो करेंगे इस बार भी करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियाँ भी लगातार बढ़ रहे हैं, अजमेर से भी कई मिले हैं और अन्य इलाकों में भी आप देखे होंगे जी, उनकी रोकथाम के लिए उनकी देखिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मसला है उनका आना जाना यहाँ पर, और सीमा पर भी कुछ भारत सरकार और हर राज्य सरकार जहाँ से उनकी सीमा मिलती है वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ आएंगे तो हम भी प्रयास करते हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो प्रयास हमारे निरंतर हैं और जारी रहेंगे।